साबित हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात पुलिस की कार्रवाई की भी गौहर। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे डोडा की, क्योंकि डोडा के अंदर कल पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, और कल भी डोडा के अंदर एक कार्रवाई की गई है जिसमें साबिक मिलिटेंट जो सरेंडर्ड मिलिटेंट है उसे मंशियात जो स्मगलिंग है उसके इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। ये दो जो साबिक मिलिटेंट यानी कि जो पहले हिजबुल मुजाहिदीन से, जो पुलिस का कहना है कि हिजबुल मुजाहिदीन से उनका ताल्लुक था, उसके बाद ही उन्होंने सरेंडर किया और कुछ एफआईआर उनके ऊपर है, कुछ मामलों में वो मुलविस पाए गए हैं, जिसके बाद ही पुलिस उनकी तलाश लगातार कर रही थी। और कल एक जगह पर पुलिस की जानिब से जो इकबाल नामी, आदिल इकबाल नामी जो मनोई डोडा का रहने वाला है वो भी मतलूब था, और उसके साथ साथ ही एक और उसका साथी इनायतुल्लाह खान वो सनवारा इलाके का रहने वाला, ये दोनों मंशियात के स्मगलिंग में ये दोनों जो है मतलूब थे। और इस सिलसिले में अब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर इकबाल नामी शख्स को बगली मोड़ के गांव में उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा उसका जो साथी था वो वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश भी बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस का कहना है कि जो पुलिस ने अपना बयान जारी किया है उसमें कहा है कि मुख्तलिफ मामला उन पर है, और इन ये दोनों साथी हैं, ये दोनों साथी हैं और ये दोनों मुख्तलिफ मामलात के अंदर उन्हें मतलूब है, चाहे आर्म्स एक्ट साथ ही साथ दीगर कुछ मामलात इनके ऊपर है जिनमें मुलविस पाए गए हैं, और कल मंशियात स्मगलिंग के हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया गया है।